आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे लोग एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपनिंग करवाते हैं, लेकिन फ्रेंड अकाउंट ओपनिंग सक्सेसफुली होने के बाद उनका वर्चुअल कार्ड कमिंग सून दिखाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ये वर्चुअल कार्ड कमिंग सून क्यों दिखा रहा है और इसे आप कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप एक एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराए हुए हैं, अगर आपका भी यहां से डेबिट कार्ड अभी तक नहीं मिला, कमिंग सून दिखा रहा है डेबिट कार्ड, या फिर आप अकाउंट ओपन करवाने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में, आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद मैं यहाँ से बताऊँगा फ्रेंड क्या कारण है कि आपको इसे कमिंग सून दिखा रहा है और इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में जब भी फ्रेंड आप अकाउंट ओपन कराने बीसी एजेंट के पास जाते होंगे तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं अकाउंट ओपन करने के। इनमें बीसी एजेंट के द्वारा आपको या तो अनबोर्ड सेविंग बैंक अकाउंट से अकाउंट ओपन करते हैं, फिर बैंक अकाउंट से ओपन बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट को ओपन किया जाता है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से अकाउंट को ओपन करवा लेते हैं तो इसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। यहाँ से देख सकते हैं आपको सारी डिटेल फिल करना पड़ता है और फिल करने के बाद आपका सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाता है। जब फ्रेंड आपके यहाँ से सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाता है, इसके बाद आपको करना क्या रहता है, तो यहाँ से अपने एयरटेल थैंक्स ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, वहाँ से आपको मिल जाता है डेबिट कार्ड। तो चलिए हम आपको एयरटेल थैंक्स ऐप में लेके चलते हैं। यहाँ से फ्रेंड इसके बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप में। फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है सेविंग अकाउंट का, आपको ऐसे अकाउंट वाले में, अगर आप ऐसे अकाउंट वाले आते हैं और आपने सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है व्यू प्रोफाइल का, आपको सिंपली व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप ऐसे व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपके ऐसे चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको रिवॉर्ड का मिल जाता है, दूसरा ऑप्शन आपको डेबिट कार्ड का, तीसरा ऑप्शन आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और फिर लास्ट फ्री इंश्योरेंस। यहाँ से फ्रेंड आप क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, अगर अभी तक आपने इसमें अपना एम पिन क्रिएट नहीं किया है, आपको फ्रेंड सिंपली इसमें एम पिन क्रिएट करना रहता है और यहाँ से अपने एम पिन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड काफ़ी सारे लोगों के पास अभी ये समस्या आती है कि उनमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है और वो एम पिन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तब इसके लिए फ्रेंड आपको यहाँ से लॉग इन नहीं होना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से देखने के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे राइट साइड में थ्री लाइन मोर का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली फ्रेंड मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ से बैंकिंग का मिलता है, आपको सिंपली इस बैंकिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से बैंकिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। यही फ्रेंड एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है माय वर्चुअल डेबिट कार्ड, आपको सिंपली आपको इसे माय वर्चुअल डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड अगर आप इसमें पहली बार अकाउंट ओपन करवाएं, पहली बार आ रहे हैं, तो आप यहाँ से अपने एम पिन को क्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आप वर्चुअल डेबिट कार्ड को देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास दो कमेंट काफ़ी ज़्यादा आए थे कि मैं अपने एम पिन क्रिएट नहीं हो पा रहा है, वैलिडिट नहीं, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो यहाँ से इस प्रकार आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप अपना ऐसे एम पिन डाल देते, जो भी आप ऐसे अपना एम पिन क्रिएट करेंगे, एम पिन डाल देंगे और इसके बाद आपके से डेबिट कार्ड नहीं आता, वहाँ से कमिंग सून का आपको दिखाया जाता है, तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए फ्रेंड आपको यहाँ से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर केयर से, जहाँ से अगर आप एक रिटेलर हैं फ्रेंड, तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिटेलर के लिए, आपको यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से 12144। आपको एक फ्रेंड ध्यान रखना है, अगर आप एक अकाउंट यूजर हैं और अकाउंट आपने ओपन कराया है, तो आपका जाके रिटेलर पास बोलिए कि आप कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड रिटेलर के द्वारा बहुत जल्दी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, या फिर रिटेलर को cancelcare@airtelbank.com पर मेल करना रहता है, तो वहाँ से फ्रेंड उनको पूरा सपोर्ट दिया जाता है और क्या चीज़ें रहती हैं जिसमें कुछ इशू की वजह से ये आपको डेबिट कार्ड नहीं मिल पाता है। जैसा कि फ्रेंड आपने कभी अकाउंट ओपन किया था, आपने कभी वैलेट क्रिएट किया था एयरटेल थैंक्स ऐप में, या फ्रेंड आप यहाँ से किसी भी टेक्निकल इशू में फंस गए, उस वजह से यहाँ से नहीं आ रहा है, तो यहाँ से इनके कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको ईजिली फ्रेंड यहाँ से डेबिट कार्ड को दे दिया जाता है, जो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड रहता है।
इसके बाद फ्रेंड अगर यहाँ से कस्टमर अगर आप नहीं जाना चाहते हैं बीसी एजेंट के पास, तो यहाँ से आप अगर यहाँ से कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंड एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कराएं एयरटेल की सिम सहित, आप यहाँ से 400 पर कॉन्टेक्ट करें। अगर फ्रेंड आपके पास एयरटेल की सिम नहीं है तो आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना, जहाँ से देख सकते हैं दिखाया गया है 8800 6 8 8 0 6, आपको इस नंबर से संपर्क करना है। यहाँ से फ्रेंड आपको अपनी प्रॉब्लम को यहाँ से बताना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड को कमिंग सून दिखा रहा है, तो उनके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हो सकता है फ्रेंड आपको यहाँ से वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड में मेल करना पड़े, तो आप उसे यहाँ से मेल कर सकते हैं और फिर आपको 24 आवर के अंदर यहाँ से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड जो भी आपके यहाँ से रहता है वर्चुअल डेबिट कार्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, इस प्रकार अगर आप में भी अकाउंट ओपन करने के बाद डेबिट कार्ड जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो कमिंग सून दिखा रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें सीधा इंस्टाग्राम जोड़ के वहाँ पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया हूँ, आप हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं और आपके में वहाँ भी कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, सॉल्व करने की पूरी कोशिश जरूर करता हूँ। साथ ही साथ फिर हम टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी नए नए अपडेट्स आते हैं मैं आपको टेलीग्राम में टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ, वहाँ से भी आपसे अपडेट होते रहते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक कर, इससे होगा कि जितने भी अपडेट में यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। मैं जानूँ फिर इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।